हे गाइस, स्वागत है मेरे चैनल इंट्रोडे गाइड शिवांश भसीन पे। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि जो जून की एक्सपायरी थी आज खत्म हो गई है। अब हम एंटर करने वाले हैं जुलाई की एक्सपायरी में। तो जुलाई की एक्सपायरी में हम इस तरीके से मेहनत करेंगे कि आपको ऐसे स्टॉक्स प्रोवाइड करा पाएं कि आप उन स्टॉक्स से कॉन्स्टेंट हल्का हल्का प्रॉफिट कमाते रहें और महीने के एंड में आप एक लमसम लार्ज अमाउंट इकट्ठा कर ले अपने खुद के प्रॉफिट का। तो ये सबसे पहले हम बात करते हैं आज एक्सपायरी में क्या हुआ। आज एक्सपायरी में हमने आपको कुछ ऐसे पांच स्टॉक्स दिए थे इंट्राडे के लिए जो आप बाय या सेल करके चल सकते थे। उसके साथ ही साथ हमने आपको तीन ऑप्शन स्ट्रेटजीज पर्टिकुलर स्टॉक्स के दिए थे जिसको आप बाय या शॉर्ट करके चल सकते थे, जिससे आप इंट्राडे पे या एक्सपायरी के दिन अच्छा खासा पैसा कमा सकते थे। वो कैसी रही, वो टारगेट सारे अचीव हुए अगर आपने लिया हो, ना ले पाए हो तो गाइस उसकी मैं परफॉर्मेंस लेकर आया हूँ, वो परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रही परफॉर्मेंस शीट, ये स्टॉक्स मैंने आपको अपने बाय के लिए दिए थे। तो आप देख सकते हैं कि कैसे वो उसकी परफॉर्मेंस रही। सबसे पहले हम बात करते हैं उज्जीवन की। तो उज्जीवन मैंने आपको बाय करने की सलाह दी थी 298.5, 302 का टारगेट था, 289 का स्टॉप लॉस था जो हमारा अचीव हो गया। शोभा, शोभा में यहाँ पर हम देख सकते हैं टारगेट थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है। यहाँ पर हमने जो टारगेट रखा था वो 365 तक का रखा था शायद, हमारा टारगेट भी हमारा अचीव हो गया था शोभा का। डी बी एल 440 पे हमने बाय की सलाह दी थी, 460 का हमारा टारगेट था, टारगेट DBL में भी अचीव हो गया। DBL में आपको 3 दिन से बता रहा हूँ कि आप 400 के लेवल पे DBL को बाय करो, 550 का टारगेट है, 400 के लेवल पे बाय करो, 550 का टारगेट है। गाइस अगर आपने मेरी सुनी होती तो आप 2 दिन के अंदर इसमें 80 पॉइंट तो आराम से कमा चुके थे क्योंकि इसकी क्लोजिंग ही 470 पे है। स्कॉट्स बाय करने की सलाह दी थी 553 पे, 561 का टारगेट था जो कि अचीव हो चुका है। बजाज फाइनेंस मैंने आपको बताया था एक क्लियर ब्रेकआउट चैनल का इसने दिया है और बेस्ट बाय है, तो आपको मैंने 3620 पे बाय की सलाह दी थी फॉर अ टारगेट ऑफ 3660 जो कि अचीव हो चुका है। बजाज फाइनेंस की मैंने आपको साइड बाई साइड कॉल भी प्रोवाइड कराई थी 38 रुपीज पे, 3600 की कॉल, 55 to 60 का टारगेट था, इसने हाई मारा 58 का जो कि अचीव हो चुका है हमारा टारगेट। अमर राजा बैटरी पे मैंने आपको 6 रुपीज पे बाय करने की सलाह दी थी, इसका कॉल ऑप्शन हाई इसने जो मारा है वो 8.3 मारा है, 9 तक नहीं पहुंच पाया तो हम इसमें मान के चल सकते हैं कि इसमें हमारा टारगेट अचीव नहीं हुआ। साइड बाय साइड मैंने आपको एक BPCL का भी कॉल दिया, पुट दी थी, तो वो हमने ट्रेड ही नहीं ले पाए क्योंकि वो ट्रेड खुला ही नहीं, वो BPCL का जो पुट ऑप्शन था वो खुला ही नहीं, वो जब खुला तब वो 3:30 बजे के आसपास खुला, वो सीधा 0.5 पे खुला तो हमारा कोई ट्रेड ही नहीं बन पाया उसमें। तो लगभग हमने 7 कॉल में से हमारे 6 कॉल परफेक्टली टारगेट अचीव हुए, तो ये हमारी परफॉर्मेंस शीट थी एक्सपायरी के लिए। अगर आपको बिल्कुल ऐसे तरीके से ट्रेड करके पैसा कमाना है तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रह सकते हैं। जुड़े रहने के लिए आपको बस सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना पड़ेगा, साइड में जो बेल आइकन है जिससे आपको ये जो एजुकेशनल वीडियोज़ हैं ये आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाएगा, आपके चैनल आपके मोबाइल पे आपके ईमेल पे एक मैसेज आ जाएगा कि हमने अपनी वीडियो अपलोड कर दिया है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको किसी भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए पैसे नहीं देने पड़ते गाइस। अब हम बात करते हैं कल के लिए कौन से 5 स्टॉक्स हैं जो आप बाय करके या शॉर्ट करके चल सकते हैं, जिसमें GSW स्टील, वोल्टास, उज्जीवन मैंने दोबारा आपके लिए चुना हुआ है, DLF और डिलिप बिल्डकॉन ये भी आपके लिए मैंने दोबारा चुना हुआ है। गाइस वीडियो ये स्टॉक्स दिखाने से पहले मैं आपको एक खास बात इस वीडियो में बताने वाला हूँ जो कि है कि आपको पता है कि 5 जुलाई को बजट आ रहा है। गाइस 5 जुलाई को बजट आ रहा है और बजट पे एक ऐसी न्यूज़ आ सकती है, एक ऐसा खबर आ सकती है जो कि हमारे इन्वेस्टर्स के लिए पॉजिटिव तो नहीं आने वाली है, या कांस्टेंट आ सकती है या नेगेटिव आ सकती है। अगर वो नेगेटिव आती है तो हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं जो इन्वेस्ट करते हैं, जो म्यूचुअल फंड्स हैं, जो मार्केट में पैसा लगाते हैं, वो लोग इनकी जो इन्वेस्ट जो वो पैसा मार्केट में लगाते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं वो इन्वेस्ट है उनका पैशन जो है इन्वेस्ट करने में वो खत्म हो जाएगा। यानी कि वो लोग अब जो पैसा इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करते हैं मार्केट के अंदर वो लोग कम कर देंगे इन्वेस्ट करना, क्योंकि ये जो एक न्यूज़ है ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल देगी। इस न्यूज़ से गवर्नमेंट को तो फ़ायदा है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिल रहा है, पर गाइस वो सोच क्योंकि आपको पता है कि अब पब्लिक सेक्टर बैंक पे PSUs पे पैसा डालना है गवर्नमेंट को, उसके लिए वो क्या कर रही है, उसे फंड से ही है, फंड्स रेस करेगी, कहाँ से करेगी, हमसे ही करेगी। तो गाइस सबसे पहले अगर वो जो न्यूज़ मैं आपके साथ कल शेयर करने वाला हूँ 3 से 4 मिनट की वो वीडियो होगी
ध्यान से देखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाएगा बेल आइकन दबाने के साथ। वो वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसी कौन सी चीज है जिससे जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें सबसे बड़ा नुकसान हो सकता है और वो लोग मार्केट में आप पैसा लगाने से या इन्वेस्ट करने से बहुत डरेंगे। वो एक रीजन होगा जिससे स्टॉक मार्केट दोबारा गिर सकती है, जो पिछले बजट में भी गिरी थी और हम ऊपर पहुंचने में हमें बहुत टाइम लग गया था गाइस, संभलने में बहुत टाइम लग गया था। तो गाइस वो खास वीडियो देखने के साथ हमारे साथ जुड़े रहिएगा, इस चैनल पे जुड़े रहिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में हर बंदे क्या चाहिए, जो जो जिस जिसको लगता है कि वो कौन सी न्यूज़ है जो हमारी मार्केट को नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती है, इन्वेस्टर्स के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती है, कमेंट सेक्शन में बताइए। इससे आपकी एजुकेशनल जो नॉलेज है वो भी इंक्रीज होगी, साइड बाय साइड आप लोगों से इंटरेक्ट करेंगे कि सब आप लोगों के जो मैचेज हैं, जो आप लोग सोच रहे हैं वो मिलते जुलते हैं कि नहीं है। सो गाइस कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अब हम बात करते हैं इन पांच स्टॉक्स की। तो JSW स्टील शॉर्ट करने की सलाह रहेगी, टारगेट 273 268 तक के हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं फॉर अ स्टॉप लॉस ऑफ 281। वोल्टास शॉर्ट करने की सलाह दी जाएगी। ये वोल्टास कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए एक काउंटर रह सकता है, जो थोड़ा रिस्की काउंटर रह सकता है, क्योंकि गाइस अगर वो जो मेरा स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस के ऊपर निकल जाता है तो इसमें क्लियरली ब्रेकआउट आ जाएगा और वहां से हम इसमें 700 तक के भी लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं वोल्टास के अंदर। बट ये एक क्रूशियल लेवल है जो मैंने आपको स्टॉप लॉस के ऊपर दे रखा है, पर जो मुझे काउंटर के दौर में लग रहा है कि शायद ये एक थोड़ी बहुत गिरावट दिखा सकता है और वो गिरावट इसे 640 तक लेकर जा सकती है। तो 647 642 तक के भी टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर अ स्टॉप लॉस ऑफ 663। उज्जीवन दोबारा बाय करने की सलाह दी जाएगी। इसकी जो करंट लेवल जो क्लोजिंग है वो 302 पे है। अगर आप मेरी पिछली वीडियो आपने देखी होगी तो आपको याद होगा मैंने आपको पहला टारगेट जो दिया था वो 302 का ही दिया था और उसके बाद 309 का दिया था। वैसे 302 का जो हमारा टारगेट था वो अचीव हो गया था और मैंने आपको कहा था अगर उसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो हम 315 तक के भी टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद अ मैटर ऑफ टाइम। सो गाइस अभी भी मेरी इसमें बाय पोजीशन है, 308 313 तक के भी लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 296 का मेंटेन करना है। DLF बाय करने की सलाह दी जाएगी आपको इस पे। ये काउंटर मुझे लगता है एक ब्रेकआउट दे सकता है कुछ टाइम पे, 188 192 के टारगेट से आप इस पर्टिकुलर DLF को बाय करके चल सकते हैं फॉर अ स्टॉप लॉस ऑफ 182। DBL दोबारा बाय करने की सलाह दी जाएगी, 400 के लेवल से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको हमेशा बाय में क्योंकि ये सलाह दे रहा हूँ, कैश काउंटर का स्टॉक है, बाय करके आप अभी चल सकते हैं अगर आपको थोड़े बहुत डिप देता भी है। मेरा अल्टीमेट टारगेट इसमें है 510 से 550 का और मुझे लगता है 510 तो ही शायद कल ही अचीव कर जाए, तो टारगेट इसका 495 टू 508 है, इसको आप बाय करके चल सकते हैं। यस ये पांच स्टॉक्स कल इंट्राडे ट्रेडिंग सेशन के लिए मैं आपके साथ लेकर आ गया हूँ। जो भी मैं आपके लिए पर्टिकुलर वीडियोस बनाता हूँ अगर आप उन स्टॉक्स को 2 दिन के लिए भी होल्ड करके चलेंगे तो आपको अच्छा खासा रिटर्न दिख जाएगा, क्योंकि यार ज़्यादातर जो मेरे चार्ट्स में देखता हूँ, जिस तरीके से मैं चार्ट्स देखता हूँ वो चार्ट्स मुझे ये सजेस्ट करते हैं कि आपको अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। आपको अगर इंट्राडे में 2-3 पॉइंट चाहिए, 2-3 के रुपए कमाने हैं, 2-3 रुपए इन द सेंस कि 2-3 पॉइंट्स आप अर्न करना चाहते हो, तो क्लियरली मैं आपको बहुत से ट्रेड ऐसे दे दूंगा जिसमें आप 2-3 पॉइंट्स तो आराम से अर्न कर लोगे। पर जिस तरीके से मैं आपको ये दे रहा हूँ करंट लेवल, जिस तरीके से आप देख रहे हैं 478 का पर्टिकुलर स्टॉक आपको 508 पे लेकर जा रहा है, यानी कि 30-40 पॉइंट का आपको जो एक टारगेट दे रहा हो, तो आप ये सोच के चलिए कि ये जो मेरी एक स्ट्रैटेजी है ये 2 या 3 दिन अगर आप पर्टिकुलर होल्ड करके चलोगे तो बहुत पैसा कमाओगे भाई। ये आप देख सकते हैं पिछले में भी आपको 7 पॉइंट का DLF टारगेट मिल रहा है, 2500 का लॉट है गाइस। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप फ्यूचर भी फॉर एग्जांपल बाय करते हैं तो 2500 का लॉट है, आप कितना पैसा कमा सकते हो इसमें। सो इस तरीके से अगर आपको DLF में 1-2 पॉइंट का पैसा अर्न करना है तो आप इंट्राडे में काम करिए, फिर इस टारगेट के लिए बिल्कुल मत जाया करिए गाइस। वरना आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको पहला टारगेट ऐसा चाहिए कि आप इंट्राडे में 2-3 पॉइंट के साथ हम प्रॉफिटेबल ही निकले, और दूसरा टारगेट जो हम आपको दे वो शॉर्ट टर्म के लिए दे या कि 2 दिन के लिए दे। तो कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी सारी क्वेरीज बताइए कि आपको और वीडियो में ऐसे क्या चेंजेस करने चाहिए। मुझे अपने कमेंट सेक्शन को पूरी तरीके से यूज़ करिए कि आप सारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मेरे से अपने थ्रू कनेक्ट करा सके और मैं आपको सारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन कमेंट सेक्शन के थ्रू या अगली वीडियो जो बनाऊंगा उस पर आपकी सारी क्वेरीज का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूँ। सो ध्यान से यूज़ करिएगा कमेंट सेक्शन को, बहुत नॉलेजेबल फैक्ट्स ही मेरे साथ शेयर करिएगा, कोई फालतू की चीज़ें मत शेयर करिएगा गाइस। और दूसरी बात, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, मेरी ये जो लेटेस्ट वीडियोस आने वाली हैं और उनके साथ बने रहने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा सब्सक्राइब करने के साथ। बेल आइकन से होगा ये गाइस कि आपको मेरे
नोटिफिकेशन मिल जाएगी जब भी मैं चैनल पे कोई नई वीडियो डाउनलोड करूंगा, और वो नोटिफिकेशन को देखकर आप मेरी वीडियो को तुरंत खोल लेंगे, या मेरे आप यूट्यूब पे अगर सर्च करेंगे मेरा नाम जो कि शिवांश भसीन है, वहाँ पर जाके आपको मेरा चैनल दिख जाएगा, वहाँ जाके भी आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं। तो इसी के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करना चाहूँगा। अगर आपको निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस पूरी देखनी है तो मैंने अपनी चैनल के अंदर वीडियो बना रखी है, कल भी वीडियो बनाई थी और उससे पहले भी मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस की वीडियो बनाई हुई है, डेप्थ एनालिसिस है, जिसके मैं आपको फ्रेश बाय और फ्रेश शॉर्ट कब करना है वो आपको टारगेट्स पता लग जाएंगे। तो गाइस मैं आपसे मिलता हूँ कल नई अगली वीडियो के साथ, साइनिंग ऑफ।